किसने देखा था वहां पर मंदिर, और अगर मंदिर था भी वहां पर, और अगर उस वक्त आज ही इतने सालों पहले वहां मस्जिद बन गई थी, तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना ही था, खतरे में नहीं है ये देश, खतरे में है ये देश, खतरे में है मोदी जी अमित शाह जैसे लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से, ये देश खतरे में है। हिंदू मुस्लिम करते करते आपने कितने लोगों को मरवा दिया है, ये विकास है? राम मंदिर क्या है? राम मंदिर आप मुझे बताइए, कौन से, क्या भगवान राम ने नीचे आकर बोला था कि आप मेरे मंदिर के लिए लोगों को मारो? आप एक मस्जिद जो ऑलरेडी वहां पर बनी हुई थी आप उसको तोड़ो? क्या राम जी ने आकर ये बात बोली थी? जो एक राम भगवान जिन्होंने खुद सैक्रिफाइस किया था अपने सौतेले भाई के लिए, वो जंगलों में चले गए थे, आप उनको लाके किसी की मस्जिद तोड़ के वहां पर बिठाना चाहते हैं? पर मैं, ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि मस्जिद के पहले मंदिर था वहां। किसने देखा था आप पहले मुझे बताइए, किसने देखा था वहां पर मंदिर? और अगर मंदिर था भी वहां पर, और अगर उस वक्त आज ही इतने सालों पहले वहां मस्जिद बन गई थी, तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना ही था तो हॉस्पिटल बनाते, आप एक और नया JNU खड़ा करते ना, वहां की फीस अपनी मर्जी से लेते, एजुकेशन, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई भी खोलते, आप वहाँ हॉस्पिटल्स, इतने लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, कौन से एम्स बने आप मुझे बताइए पिछले 5 सालों में, बनाइए वहाँ पर जाके एम्स। आखिरी सवाल है मेरा, आपको सरकार से डर नहीं लग रहा? आप MNC में हैं, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। सर डरती तो मैं यहाँ नहीं होती, डरती मैं किसी से भी नहीं हूँ। जो अगर हम जैसे लोग डर जाएंगे तो ये इतनी भीड़ भी इकट्ठी नहीं हो पाएगी। और किससे डरना है, क्यों डरना है आप मुझे बताइए? किसी का, किसी की किस्मत का कोई नहीं खा सकता, और मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि अगर मैं डर गई तो शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं वो भी डर के बैठ जाएंगे, और अगर हम आज नहीं उठे तो हमारी आगे वाली जनरेशन, हमारे बच्चे वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, अपने सपने पूरे कर ही नहीं पाएंगे। ये देश, मुझे अब ऐसा लगता है कि हम लोग शायद डेमोक्रेसी पीछे छूट गई है और अब तानाशाही शुरू हो गई है। और जो लोग हैं, जो जिन लोगों के पास आज अच्छी नौकरियां हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास अच्छे बड़े बड़े घर हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। फर्क पड़ता है उन लोगों को जो, जिन लोगों की नौकरियां जा रही है, फर्क पड़ता है उन लोगों को जिनके बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए जो एक उनको उम्मीद थी कि JNU जैसी यूनिवर्सिटी में वो अपने बच्चों को पढ़ा के कम से कम उनके बच्चे आगे बढ़ के घर चला पाएंगे, वो तो उनसे वो हक भी छीन रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि बस यहाँ पर चारों तरफ देश में जियो अंबानी अदानी बस ये चलता रहे? यहाँ जियो भी यूनिवर्सिटी लाना चाहते हैं JNU हटा के? यहाँ पर आपका BJP IT सेल क्या फैला रहा है लोगों के बीच में? JNU बंद होना चाहिए। क्यों JNU बंद होना चाहिए? किसी के बाप का नहीं है JNU, और ना ही JNU BJP ने खड़ा किया था, ना मोदी जी ने खड़ा किया था JNU। JNU हर उस बच्चे का हक है, जो बच्चा किसान और मजदूरों का है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा लायक है, JNU उसका है। अगर आप होम मिनिस्टर तड़ीपार को बनाएंगे तो वो तो प्रज्ञा ठाकुर तो बहुत छोटी चीज है। अगर आज हमारी हमारी कंट्री आपने पूरी उस आदमी के हाथ में दे दी है जिसके बारे में सबको पता है कि गुजरात में उसने रॉइड्स कराए थे, गुजरात में उसने लोगों को मरवाया था, आज आपने पूरी होम मिनिस्ट्री उसको दे दी है, तो प्रज्ञा ठाकुर उसके ऊपर तो सिर्फ एक टेररिज्म का केस चल रहा है, उसके ऊपर से उनको केस हटवाना भी तो है, तभी तो हटेगा, इसीलिए तो लाया गया उसको देश में। आप मुझे बताइए ना, फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे लोगों को दिक्कत क्या हिंदू राष्ट्र से? सर आप मुझे बताइए, हमारा देश क्या कहा जाता था उसको? धर्म निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। हमारा संविधान हमें सेक्युलरिज्म सिखाता है, हमें धर्म, हमारा देश, और हमारे देश की ब्यूटी यही थी कि डाइवर्सिटी है हमारे देश में। आप मुझे बताइए, हम क्यों किसी भी इंसान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के तरह से देखते हैं? क्यों हम उसे इंसान की तरह नहीं देख सकते? आप, मैं, मुझे नहीं पता कि आपका क्या धर्म है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या मैं ये सोच के बात कर रही हूँ कि आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ तो मैं इसलिए आपसे बात करूंगी, या ये मुसलमान है तो मैं इससे बात नहीं करूंगी? क्या होता है धर्म, आप मुझे बताइए। सर धर्म सिर्फ एक चॉइस है। आप एक आप अल्लाह को फॉलो करना चाहते हैं, आप खुशी से अल्लाह को फॉलो करो। मैं राम को फॉलो करना चाहती हूँ, मैं राम को फॉलो करूंगी। आप गुरुद्वारे को फॉलो करना चाहते हैं, आप गुरुद्वारे जाइए। उसमें उस आप मुझे बताइए, उसमें किसी को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप फॉलो करिए धर्म को, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि सिर्फ ये मेरा ही धर्म होना चाहिए। धर्म प्यार बांटना,
इंसानियत सिखाता है। धर्म का मतलब ही यही होता है कि आप अगर मंदिर में जा रहे हैं या आप अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो आप बाहर निकल रहे हैं, जो बाहर एक आदमी भूखा बैठा है आपको उसको खाना खिलाना है, आपको किसी की मदद करनी है, जो इंसान बीमार है आप अगर कर सकते हैं तो आप उसको उसका इलाज कराइए। धर्म ये सिखाता है। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है आप मुझे बताइए, क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र जब हमारा हमारे संविधान में ही हमें शुरू से हम सब मिलजुल के रहे हैं। हम जब पार्टीशन के बाद यहाँ पर पहले से ये तय हो गया था। हिंदू तो खतरे में, किससे खतरे में आप ये बताइए, हिंदू खतरे में है किससे? माइनॉरिटी से, जिन बेचारों को तुम सड़कों पे सिर्फ इसलिए मार देते हो कि वो जय श्री राम नहीं बोल रहे, उनसे खतरे में है हिंदू? या